या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नंबर 6, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। शहर भर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है, ना ही के शहर भर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट भी कुछ कम नहीं कि वो भी लोगों में घर घर जाके एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से किस तरीके से बचना चाहिए, कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस किस तरीके से लेना चाहिए। देखिए, हम लोग ये जो इनाया एनजीओ की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम किए हैं, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलबर्गे के तकरीबन जो है ना 90% एरिया, मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, हर वो एरिया में हम लोग इसका अवेयरनेस किए हैं। और तकरीबन लोग जो है ना इस अवेयरनेस से ये जान चुके हैं कि ये बीमारी क्या चीज़ है। अब हमको इतनी एक दिली सुकून है कि ये लोग जो है ना, पहले अवेयरनेस नहीं था ये लोगों को बीमारी के ताल्लुक से, आज बहुत अवेयरनेस आया है। फिर भी जो है ना, हर एरिया में पुलिस नहीं भी फिर रही है तो अपनी जगह लॉकडाउन में है। लोगों से एक अपील करते हैं कि वो इसी तरह लॉकडाउन में रहें, जब तक हम लॉकडाउन में नहीं रहते ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं। बिल्कुल, आप एरिया वाइज किस तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं कोविड-19 से बचने के लिए? मेरे पास टू व्हीलर पर हम लोग माइक लगाए हैं, माइक का भी अवेयरनेस है, फोर व्हीलर का भी है, मैंने उस पर भी है। जहाँ पे लोग रास्ते ब्लॉक किए हैं वहाँ पे वो फोर व्हीलर नहीं जा सकती है, वहाँ पे हम लोग टू व्हीलर लेके जो है ना, हर महिला जो हम उसका अवेयरनेस करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफेक्ट बहुत लोगों को पड़ा है, वो इफेक्ट को देख के हमें भी हमारी खुशी हो रही है और काम करने का जज्बा आ रहा है हमें। और रमज़ान के चलते आपका और क्या प्लान है, आप रमज़ान में भी इसी तरह आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करते रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अभी लोगों को तो इस मामले में कोविड-19 का पूरा तकरीबन जो है ना, ये लोगों को नॉलेज हो चुका है। तो मेरे जानता ख्याल से रमज़ान में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तक हम जो मेहनत किए हैं सारे पब्लिक को इस बीमारी के लिए मालूम हो चुका है। तो ये लोग इबादत में रहेंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे वो लोग, तो इंशाल्लाह जो है ना, ज़्यादा अवेयरनेस की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी हमारी जो मुहिम है, जब तक हमारे गुलबर्गा से कोरोना फ्री का कोरोना नहीं होता, जब तक हम लोग मेहनत करते रहेंगे। रमज़ान में और ज़्यादा बताएंगे हम, लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कौम, हमारे लोग जो अवेयरनेस के ताल्लुक से अनकेयरफुल है, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ से हमारा एक तरफ तबका बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हम इसलिए जी जान से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है, कितना मोहल्लिक बीमारी है। आपकी एक जान पूरे घर को ले डूबती है, पूरे मोहल्ले को, पूरी कौम को बदनाम कर रही है। लिहाजा हम हर मोहल्ला, हर गली कूचे में जाकर लोगों को अवेयरनेस के ताल्लुक से काम कर रहे हैं। इन्ना सोशल वेलफेयर वुमेंस चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से हम ये बराबर लोगों को जागरूक पैदा कर रहे हैं कि अवेयरनेस के ताल्लुक से बराबर लोगों को ये बता रहे हैं कि आप घरों में बैठिए, इसका जो है ना, आपकी जान का, सेफ्टी का एक ही इलाज है कि आप लॉकडाउन होइए, अपने फैमिली को सेव कीजिए, अपने घर वालों को सेव कीजिए, अपनी कौम को सेव कीजिए। हमारा यही पैगाम हम लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में भी हम हर मस्जिद, हर रोड पर, हर शहरों पर जाके लोगों को ये समझाएँगे कि आप बाहर फिर रहे हैं ये कितना ख़तरनाक है, आपकी वजह से ये कौम को, मोहल्ले को, पूरों को ले डूब रही है, क्योंकि आपकी मौत की वजह से, आपके पॉजिटिव आने की वजह से पूरा मोहल्ला सील हो रहा है, पूरा मोहल्ला सील हो रहा है, आपकी वजह से पूरे लोग जोखिम में पड़ रहे हैं। लिहाजा हर आदमी को ये चाहिए कि कोई भी बगैर मास्क से फिर रहा है, कोई भी रोड पर आवारागर्दी कर रहा है, तो अपनी तरफ से वो लोगों को ताकीद करे, बोले, क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, एक दूसरे को समझ के लेके चलें। इतना मैं कहना चाहता हूँ। अभी तक आप पालन करते हैं लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंस का, हम आपसे अपील करते हैं इसी तरीके से सोशल डिस्टेंस का और लॉकडाउन का पालन कीजिए, उसका उल्लंघन मत कीजिए, बिला वजह आप बाहर मत निकलिए। देखिए, रमज़ान का पीरियड है, रमज़ान एक मुबारक महीना है, आपको ये महीने में आप जितनी इबादत कर सकते हैं, क्या पता आपकी दुआओं से ऊपर वाला कोविड-19 को जल्द से जल्द इस शहर से नहीं कि इस पूरी दुनिया से।